जी, तो हमारा ये रेनोवेशन का काम जो बेसिक था वो कुछ हो चुका है। फर्श तैयार हो गया, छतें तैयार हो गई, सॉरी दीवारें तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद छत का देखेंगे और बाकी जो इंटीरियर की फिटिंग है। फिटिंग काफ़ी मुश्किल थी, ये छोटे भाई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इन हैं इन चीज़ों में, तो इंटीरियर का काम इनके ज़िम्मे ही है। ये हमारी जो कैंपर वैन है, वेंटी वैन है, यही तैयार कर रहे हैं। क्या सर, क्या कितनी मुश्किल हुई इसको काम को करने में अभी तक? जो है प्रॉब्लम्स क्या आपने फेस की हैं? ये बेसिकली स्ट्रेट नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी कर्व में है, तो बूट को कर्व के अंदर ढालना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से हमें मुश्किल पेश आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीवारों को जिस तरह की फिटिंग थी गाड़ी की हमने उसी हिसाब से किया। हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पेस मिले, बजाय ये कि हम स्ट्रेट दीवारें बनाते हैं और हम इसके करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मतलब फिटिंग हुई हुई है वो गाड़ी के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब के साथ और उसके साथ हमने पैच करके सारी फिटिंग थैंक यू की। जी, थैंक यू। और भी इंशाल्लाह काफ़ी सारा काम बाकी है इस प्रोजेक्ट में, साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे एंड वी नीड योर सपोर्ट इंशाल्लाह। इसी गाड़ी पे हमने पूरे पाकिस्तान का टूर भी करना है और आपको पाकिस्तान का कल्चर, अट्रैक्शंस और बहुत सारी चीज़ें भी दिखानी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स। थैंक यू जी।